स्टार्ट करते हैं। हाँ सुन, तो जैसा कि आप सब लोगों को पता, कोविड के बारे में बहुत सारा कुछ पता होगा, हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं, कोविड अवेयरनेस प्रोग्राम, जो कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव, जो आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं, उस मौके से भारत सरकार के गाइडेंस को जो है आम लोगों तक पहुँचाने का, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टाफ स्टूडेंट्स हैं, कलीग्स हैं, तो उन लोगों को तो पता है, लेकिन जो हमारे जो पेशेंट्स हैं जो डेली आते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती। इसलिए हम लोग हर सप्ताह में दो दिन इस तरह का प्रोग्राम 5 मिनट के लिए करते हैं, जिसमें ये कोविड से अवेयरनेस के बारे में, यानी कोविड में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे खुद की देखभाल करनी है, कैसे खुद को बचाना है, और अगर होता है कोविड के लक्षण कोई पाए जाते हैं तो फिर क्या अप्रोच रखना है उसके लिए, इन सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करते हैं कि कोविड होता क्या है और क्यों होता है, तो कोविड एक वायरस की वजह से होता है, जिसको कोविड-19 नाम की वायरस है। इसके अलग अलग वेरिएंट होते हैं। अभी आप सब लोगों ने न्यूज़ में या ऐसे देखा होगा कि कोविड के अलग अलग वेरिएंट पाए जा रहे हैं, जिसमें अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, पिछले साल जो सेकंड वेव आई थी उसमें डेल्टा वेव ने काफ़ी सारा कहर बरपा दिया था हमारे हिंदुस्तान और भारत के अंदर, लाखों में लोग मरे। हालांकि इसकी मोर्टलिटी रेट, यानी जो मरने की रेट है, वो बहुत ही कम है, less than 2% है हमारे भारत में। उसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं, उतनी सारी वजहों को अगर हम यहाँ पे डिस्कस करने जाएं तो काफ़ी लंबा टाइम होगा। लेकिन चूंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पैदा होती है, अब 75 से 85% तक लोग इसमें सिम्टोमेटिक होते हैं, 75% से कम लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं। आज हालांकि ये सिम्टोमेटिक जो कि अभी नया ओमिक्रॉन वेरिएंट चल रहा है, इसमें और भी ज़्यादा 90% तक लोग एसिम्टोमेटिक पाए जा रहे हैं, सिर्फ 10% लोगों में सिम्टम आ रहे हैं। लेकिन जो 10% में सिम्टम आ रहे हैं उसमें से 3% लोगों को ICU हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, और वो ICU हॉस्पिटलाइजेशन होने पे रिकवरी चांसेस पूरे हो जाते हैं। वैसी सूरत ना आए किसी के लिए, ऐसी सूरत अमूमन जो आती है वो आती है अगर कोई बीमारी पहले से सफ़र कर रहा है वो मरीज, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का हाई होना हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, कोई कैंसर की बीमारी हो, या फिर ऐसी कोई बीमारी जैसे एड्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, अस्थमा यानी दम्मा है, ऐसे लोगों को, उम्र 65 साल से ज़्यादा है, ऐसे लोगों में ज़्यादा सिम्टम और सीवियर सिम्टम देखा गया है, और वैसी सूरत में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में जाते हैं। आज किस लिए अगर देखा जाए तो सीवियर सिम्टम किस लिए कम हुआ, उसके पीछे जो बेसिक वजह है वो ये है कि हमने जो वैक्सीन लिया, किसी वैक्सीन का काम जो होता है दो तरह से होता है, एक अगर पहला काम देखें तो उस बीमारी से बचाना, ताकि वो बीमारी ना हो, दूसरा चूंकि अभी तक बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च चल रहे हैं लेकिन अभी तक इतना ज़्यादा एडवांस रिसर्च नहीं हो पाया कि डायरेक्ट उससे बचा दिया जाए, तो ये वैक्सीन काम, अमूमन ये एक मिथ हो गया है कि वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हो गया। जिन लोगों को वैक्सीन दिया गया उन लोगों में कोरोना तो हुआ, लेकिन जो उसकी सेवियरिटी थी बहुत कम पाई गई, जो उसकी सेवियरिटी होती थी, जैसे डेल्टा वेरिएंट में देखा गया कि हर 15 लोग 85% तक अगर ये सिम्टोमेटिक, तो 15 में से 5-7 लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था, और उसमें से 2 से 3 लोग जो है वो एक्सपायर करते थे। आज के डेट में हमारा लगभग जो एडल्ट पॉपुलेशन है, 18 साल से ऊपर का पॉपुलेशन है, 90% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो गया है, तो इसलिए सेवियरिटी ऑफ सिम्टम नहीं आ रहे हैं, 85-90% तक भी लोग एसिम्टोमेटिक हो गया क्योंकि वो वैक्सीनेटेड हो गए। तो जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है वो ज़रूर लें। दूसरी बात अगर हम करें कि अगर हमें इससे बचना है तो क्या करना है, वो आप लोगों ने TV, सोशल मीडिया सब तरह से देखा, बस उसमें ध्यान रखने बात ये है कि अगर आप किसी भी तरह से कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं कोविड पेशेंट के, तो अगले 3 दिन तक अपने आप को वेट एंड वॉच में रखिए, खुद से औरों से लोगों से अलग रखिए, खुद को मास्क स्पेशली उस दौरान ज़रूर पहनिए, और अगर
पॉसिबल हो तो जाके टेस्ट करवा लीजिए 3 दिन में। अमूमन 3 दिन में सिम्टम आ जाया करते हैं। अगर 3 दिन में सिम्टम नहीं आते हैं तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर भी प्रिकॉशन रखना है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, आप एसिम्प्टोमेटिक है, खुद को तो बचाना ही है। खुद से हम दूसरों के लिए जिम्मेदार न बने। हमारा क्या मोटो होना चाहिए कि हम दूसरों को न दें ये बीमारी। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इसलिए खुद को तो इवन इन हाउस जब आप घर में रहते हैं तब भी मास्क लगा के, अगर आप पॉजिटिव हैं तब भी मास्क लगा के रखिए, क्योंकि आपके अपने अपने अभी को न हो आपकी वजह से पैसा। किसको सेवेरिटी ऑफ सिम्टम, जैसे अभी एडल्ट पॉपुलेशन तो वैक्सीनेटेड हो गया, लेकिन हमारे बच्चे अभी वैक्सीनेटेड नहीं हुए। और अगर मैं पॉजिटिव हो जाता हूँ, मैं मास्क यूज नहीं करता हूँ, मैं सैनिटाइजर का यूज नहीं करता हूँ, प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करता हूँ, हमारे बच्चों को हो सकता है। तो हमारे बच्चों को बचाने के लिए हमें खुद को, अगर मैं पॉजिटिव हो जाता हूँ, मैं वैक्सीनेटेड हूँ, मुझे हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक हो, मुझे वैक्सीन करना, लेकिन हमारे बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है, हमारे बच्चों को सीवियर सिम्टम डेवलप कर सकते हैं, हमारे बच्चे की जान पे बना सकती है। तो इसलिए खुद को बचाना भी जरूरी है। अभी एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के बाद भी एक नया वेरिएंट कल परसों से पता चल रहा है कि डेल्टा क्लोन, ओमिक्रॉन के बाद डेल्टा क्लोन नया वेरिएंट आ रहा है। इसकी जो फैलने की रफ्तार है ओमिक्रॉन से भी ज्यादा है। ये अलग बात है कि जो है जितने वायरस के वेरिएंट आते जाएंगे उतने इसकी स्ट्रेंथ जो है वायरस की कम होती चली जाएगी। वो इस तरह से समझिए कि एक आपने पेपर लिया, उस पेपर को आपने जीरोक्स किया, एक जीरोक्स किया उसका जीरोक्स करते चले गए, तो क्वालिटी ऑफ जो पेपर में जो भी लिखावट है उसकी जो कमी आती जाती है उसकी वजह से काफी, अगर 200-400 पेज इस तरह से वन बाय वन करते चले गए तो देखेंगे कि जो 100-200 रुपये नंबर पे आएगा उसमें पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। ठीक उसी तरह जो इसके जीनोम की सीक्वेंसेज होती है, जो वायरस है उसके जीनोम की जो सीक्वेंसेज होती है, जब कॉपिंग होती है, कॉपिंग में कोई एक जीनोम डिफरेंसेज आ जाते हैं, वही एक नया वायरस। और इस तरह से कॉपिंग एक की कॉपी, दूसरी की कॉपी, तीसरी की कॉपी, तो भले ही वो स्प्रेड ज़्यादा करे लेकिन सेवेरिटी ऑफ सिम्टम इस तरह से भी कम होती है। एक तो वैक्सीन की वजह से, दूसरा कॉपिंग में जो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग होती है उसमें चेंजेस आने की वजह से सिम्टोमेटिक। एक नया न्यूज़ जो आया है अभी इस पर लेटेस्ट, वो ये है कि हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में अब ये इंडेमिक की तरह फैल गया और इंडेमिक के स्टेज में पहुंच गया। अब जब अगर इंडेमिक के स्टेज में पहुंच गया है तो आप इसके साथ जीना है, इसके साथ मरना है। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखें ताकि दूसरों तक ना फैलावे, और जब भी जो है बाहर निकले तो अपने आप को बाहर से आने के बाद पूरी तौर पे हैंड को सैनिटाइज करें, ताकि इसके अलावा पॉसिबल हो सैनिटाइज बाहर में भी कर सकते हैं, लेकिन घर में आए तो सॉफ्ट वाटर का इस्तेमाल। बेसिक यही बातें, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी चर्चा को भी।